फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल मेथी पराठे, जो बहुत हेल्दी होते हैं, खाने में तो सुपर ही यम्मी लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर। मेथी पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बंडल मेथी के, अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, कट कर लिया है। अजवाइन है 2 छोटे चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आप क्रश करके भी डाल सकते हो। कुछ ग्रीन चिली है, 2-3 ग्रीन चिली है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, थोड़ा सा हींग है, 4 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है, 2 कटोरी मैंने आटा लिया है गेहूं का, 1 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया है, आप घी भी डाल सकते हो। मैं आटा में बेसन डाल दूंगी, हींग डाल दूंगी, अजवाइन डाल देती हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देती हूँ, ग्रीन चिल्ली डाल देती हूँ, ऑयल भी डाल देती हूँ। नमक भी डाल देती हूँ। सबको पहले मिक्स कर दूंगी इस तरह से। आटा में सबको मिक्स करके अच्छे से तब मैं मेथी डालूंगी। मिक्स हो गए हैं, अब मैं मेथी डाल देती हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं मेथी के पराठे, हेल्दी तो होते ही हैं। ये मेरा मिक्स हो गया है, अब मैं इसका डो रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो इसका रेडी नहीं होगा। सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा कड़ा ही रखना है। रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, एकदम इस तरह का। तो इसे मैं थोड़ा देर के लिए ढक देती हूँ। अब मैं इसका छोटा छोटा बॉल बना लूँगी, सूखा आटा लेकर के थोड़ा सा। इस तरह का प्लेट में रख दूंगी। जिस भी साइज का आपको बॉल बनाना है, बड़ा छोटा आप बना सकते हो। मोटा बनाते होंगे तो मोटा पराठा के लिए थोड़ा सा बड़ा बॉल चाहिए, मैं पतला पतला बनाने वाली हूँ। बहुत लोग मोटा मोटा भी बनाते हैं ना।
मैं चार बॉल बना लेती हूँ इस तरह से। सूखा आटा मैं इस तरह से लगा दूंगी, रख दूंगी इस तरह से। बेल लेती हूँ, एक बॉल ले लूंगी इस तरह से। सूखा आटा लगा करके मैं राउंड शेप में ही बेलने वाली हूँ। आप किसी भी आकार में इसे रोल कर सकते हैं। एक मैंने बेल लिया इस तरह का, प्लेट में रख दूंगी। सूखा आटा लगा लूंगी इस तरह से। दूसरा वाला भी बेल लेती हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करूंगी। दूसरा वाले मैंने बेल लिया, इसे भी रख दूंगी। सूखा आटा लगा लूंगी इस तरह से, इसे भी बेल लूंगी। थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करूंगी। इसे भी मैं प्लेट में रख दूंगी। तो मैंने चार पराठा रोल कर लिया है, अब मैं इसे बना लेती हूँ। मेरा गरम हो गया है, मैं डाल लेती हूँ एक पराठा। इसे उलट पलट करके मैं अच्छे से सेक लूँगी। एक तरफ सीख गया है तो मैं इसे पलट लेती हूँ। ऑयल लगा दूंगी, आप घी भी लगा सकते हो। इसे पलट लूंगी, अच्छे से उलट पलट करके मैं इसे सेक लूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेथी की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, वो खाने में तो पूछिए मत। इसे मैं टिश्यू पेपर में निकाल देती हूँ। दूसरा वाला भी मैं पराठा डाल दूंगी। तो दूसरा वाला भी एक साइड से सीख गया है, मैं पलट देती हूँ। ऑयल लगा दूंगी, सही पलट दूंगी। इधर भी ऑयल लगा देती हूँ। इसे भी पलट लेती हूँ। कितने अच्छे सिक रहे हैं। पलट पलट करके मैं इसे अच्छे से सेक लूंगी। तो सेकेंड वाला ही पराठा मेरा सिक गया है, देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है दोनों साइड से। इसे भी मैं निकाल लूंगी प्लेट में।
निकाल लेती हूँ। ये भी डाल दूँगी। तीसरे वाले भी पराठा मेरे सीख गए हैं दोनों साइड से, इसे भी मैं निकाल लूँगी। ये भी मैं डाल दूँगी इस तरह से। चौथे पराठा भी मेरे सीख गए हैं, मैं इसे भी निकाल लूँगी प्लेट में। गैस बंद कर देती हूँ, सर्व कर लेती हूँ। मेथी पराठा रेडी है, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। मैंने टमाटर की खट्टी तीखी वाली चटनी बनाई है, इसके साथ ही पराठा बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। मेरा मेथी पराठा डन। कितना झटपट पराठा बनके रेडी हो गया। मेरी रेसिपी कैसे लगती है फ्रेंड, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।